औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी कप 2023, जनरल इशफाक नदीम अहमद स्टेडियम, अयूब पार्क, रावलपिंडी से लाइव। 15 से 20 अगस्त तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। पूरे पाकिस्तान से टॉप 8 डिपार्टमेंट्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। आपको ग्रुप की बताते चलें। ग्रुप ए में है माड़ी पेट्रोलियम, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान वापडा एयरफोर्स। और ग्रुप बी की बात की जाए तो उसमें पुलिस, आर्मी वाइट, आर्मी कलर एंड पंजाब रेंजर्स। आज के दिन के 4 मुकाबले आपको लाइव इसी पेज से देखने को मिलेंगे। और आपको बताता चलूं, आज का पहला मुकाबला बिग मैच पूल ए का माड़ी पेट्रोलियम MPCL इस टूर्नामेंट की होस्ट है। उसका मुकाबला होगा पाकिस्तान पुलिस के साथ। अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो MPCL के प्लेयर की बात की जाए तो अब्दुल्ला, गोलकीपर मोहम्मद अब्दुल्ला, फुलबैक अरबाज अहमद, एहतशाम असलम, जुनेद रसूल, अली रज़ा और राशिद अरशद, लियाकत, हाशिर अली, नवीद अली, वसीम अकरम, वकार अली, मोहसिन अली, गोलकीपर उमर सत्तार, फराज खान, अली अनवर। और आप दोस्त तमाम दोस्तों को मैं बताता चलूँ, और भी बड़े बड़े नाम आज जलवा करोगे। तमाम दोस्त, जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में। बस यही है। आप करें एक मिनट, मैं ना स्टार्ट करूं इधर से, मैं ग्रुप से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मलिक असलम। माड़ी पेट्रोलियम सेकंड माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी हॉकी कप 2023, ये टूर्नामेंट 15 से 20 अगस्त तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपको तमाम मैचेस इसी चैनल पर दिखाए जाएंगे। जनरल इशफाक नदीम हॉकी स्टेडियम रावलपिंडी से आपको ये लाइव मनाजर हम दिखा रहे हैं। माड़ी आज का पहला मुकाबला माड़ी पेट्रोलियम वर्सेस पाकिस्तान पुलिस के दरमियान खेला जाएगा आज का पहला मुकाबला। होस्ट टीम इस वक्त माड़ी पेट्रोलियम ग्रीन शर्ट्स, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन शर्ट्स में माड़ी पेट्रोलियम और येलो एंड ब्लू में पाकिस्तान पुलिस। इस वक्त दोनों टीमें जो हैं वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों टीमें इस वक्त मैदान में उतरने के लिए तैयार। लीजिए जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और यहां पर दोनों रेफरी और उनके साथ दोनों टीम्स, उनके पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर और खूबसूरत स्टार्ट, खूबसूरत ग्राउंड। और यहाँ पर आज़ादी कप माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी कप का पहला मैच शुरू होने लगा है और आप देख सकते हैं दोनों टीम इस वक्त लाइन अप हो रही हैं। नेशनल एंथम होगा और उसके बाद इंशाल्लाह इस मैच का बाकायदा आगाज हो जाएगा। बिग टूर्नामेंट सेकंड माड़ी पेट्रोलियम आजादी हॉकी कप 2023, आज इसका पहला मैच। आज के दिन 4 मुकाबले खेले जाएंगे, पहला मैच अब शुरू होने लगा। इसके बाद शाम में पहला दूसरा मैच 4 बजे होगा, तीसरा मैच जो है वो 6 बजे होगा, जबकि चौथा और आखिरी मैच जो है वो रात 8 बजे आपको मसनूई लाइट्स में दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल दोनों टीम्स रेफरीज एवरीवन स्टैंड अप एंड फॉर नेशनल एंथम।
नेशनल एंथम के लिए हर कोई बिल्कुल रेडी। और बता दें बाकी मैचेस अच्छे रिजल्ट के साथ लेकिन देखने को मिलेंगे। जी जी इंशाल्लाह जी, अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा लाइट का इशू है, वो इंशाल्लाह इंतजामिया का कहना है कि शाम में जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो आपको लाइव लाइट का जो इश्यू है वो बहाल कर दिया जाएगा, वो उसके बाद फिर आपको दो तीन कैमरों से इसकी कवरेज जो है वो एचडी रिजल्ट में दिखाएंगे। लीजिए जनाब, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर, मैच स्टार्ट होने लगा है, माड़ी पेट्रोलियम वर्सेस पाकिस्तान पुलिस, बड़ा मुकाबला इस वक्त क्लैपिंग के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है। और अब शेयरिंग जो है यार सबने लाजमी करनी है यार, शेयरिंग आप दोस्तों ने लाजमी करनी है। आप शेयर करेंगे तो इतना बड़ा जो इवेंट है वो दूसरे दोस्त भी देख सकेंगे, आपकी शेयरिंग से ही ये इतना खूबसूरत इवेंट दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। दुआ हो रही है, उसके बाद मैच का आगाज होगा, अल्लाह के पाक कलाम के साथ इस इवेंट का आगाज किया जा रहा है, तलावत हो रही है, उसके बाद इंशाल्लाह मैच का बकायदा आगाज कर दिया जाएगा। तमाम दोस्तों को एक बार गुलाम फरीद की तरफ से सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। हॉकी के जितने भी दोस्त हैं अगर हमें लाइव देख रहे हैं, वीडियो को शेयरिंग जरूर करना है पाकिस्तान हॉकी ग्रुप से, जितने भी हॉकी लवर्स इस वक्त हमारे साथ हैं वीडियो को साथ साथ शेयर की दीजिए, क्योंकि ग्रुप्स में लिंक वगैरह दे दिया गया है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई भी हॉकी लवर अगर मैच लाइव देख रहा है तो हमें बताइएगा जरूर, और आप सब दोस्तों को गए बगैर बाकी मालूम भी मिलती रहेंगी स्पोर्ट्स न्यूज पी के और फ्रेंड्स स्पोर्ट्स एच डी लाइव चैनल पर। तमाम दोस्त एक एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, तमाम दोस्त जितने भी दोस्तों ने ज्वाइन किया वीडियो को शेयर जरूर, हॉकी लवर अगर कोई हमारे साथ हैं तो बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट मैच माड़ी पेट्रोलियम आजादी कप 2023, और आपको बाकी प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स ओलंपियन प्लेयर्स के इंटरव्यू भी दिखाएंगे और बाकी तमाम दोस्तों से गाय बगाय मिलवाएंगे भी जरूर। और इंतजार की घड़ियां खत्म, यहां पर मैच होने जा रहा है स्टार्ट, बेहतरीन मैच स्टार्ट होने को, माड़ी पेट्रोलियम की टीम उमर अली मोहम्मद अहमद ने ज्वाइन किया, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? आपको तमाम दोस्त जितने भी दोस्तों ने ज्वाइन किया वीडियो को शेयर करना है, अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मूविंग ना करो कि हाफ आ रहे ना करो सेंटर स्टार्ट करो चलो थोड़ा जो ऊपरली साइड से बॉल जाएगी फिर स्विंग कर दो, फिर मोबाइल अपन रहेगा ही है ना। तमाम दोस्त वीडियो को शेयर करेंगे एक बार, आप सब दोस्तों को बताता चलूं मैच स्टार्ट होने को है, अब्दुल्ला गोलकीपर के फ्राइज सर हम जान देंगे एमपीसीएल की तरफ से, सुफियान खान फुल बैक की पोजीशन पर मौजूद, अरशद लियाकत यहां पर हैं और एहतेशाम असलम प्लेइंग साइड का हिस्सा होंगे, वसीम हैं,
कप्तान कौन है इधर? विसल और स्टार्ट। माड़ी पेट्रोलियम का पुलिस के प्लेयर्स के पास बॉल, 15 नंबर, 15 से 8, लेफ्ट फुल बैक के पास बॉल और यहां पर अंपायर कॉल, एहतशाम असलम के पास बॉल, 16 नंबर फराज खान डी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं 25 लाइन से, बॉल को लेकर चले, दाखिल होने की कोशिश और यहां पर गोल होने का खतरा, जबरदस्त यहां पर फाउल, अंपायर ने, रेफ ने फाउल दे दिया है इस बॉल को, जबरदस्त टैग किया है स्टार्ट में ही टीम माड़ी पेट्रोलियम। और आपको बता दें जिस तरह टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को मजा आएगा देखने का। आवाज वहां भी उधर जा रही, म्यूट कर दो। अगेन बॉल पुलिस के प्लेयर्स के पास, अटैक करना चाहते हैं सेंट्रल लाइन में, 12 नंबर के पास बॉल, अच्छा यहां पर स्कूप शॉट नाकाम हुए और यहां पर अच्छा डिफेंस माड़ी पेट्रोलियम का, अब्दुल्ला ने बॉल को अच्छे तरीके से लिया, 25 लाइन के अंदर दाखिल, यहां पर गोल की ट्राई, स्किल का इस्तेमाल मगर जबरदस्त यहां पर डिफेंस किया है पुलिस के फुल बैक प्लेयर ने, अच्छा बॉल, यहां पर पुलिस का अटैक डी के अंदर शामिल हुए, अंपायर कॉल और प्लेंटी कॉर्नर, पहला प्लेंटी कॉर्नर मिल चुका है पुलिस की टीम को। समी थे, समी ने प्लेंटी कॉर्नर हासिल किया है जबरदस्त तरीके से, समी अगेन एक बार फिर बॉल को करेंगे डिलीवर, मोहम्मद अकरम गोलकीपर, यहां पर पेनल्टी के तौर पर एक प्लेयर बाहर जाएगा, माड़ी पेट्रोलियम का रूल्स की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने और एक प्लेयर जो है वो अब नुकसान है माड़ी पेट्रोलियम के लिए, नुकसान 17 नंबर जो प्लेयर थे अली अनवार, थोड़ा सा विसल से पहले निकले हैं गोल पोस्ट से जो कि नहीं निकला जाता, रूल्स की खिलाफ वर्जी है और बॉल को डिलीवर करेंगे 18 नंबर अब्दुल्ला गोलकीपर माड़ी पेट्रोलियम के, यहां पर पुलिस को पहला, यहां पर जबरदस्त सेव अब्दुल्ला की तरफ से, जबरदस्त सेव था, पहला प्लेंटी कॉर्नर सेव करने में कामयाब माड़ी पेट्रोलियम की टीम और यहां पर अच्छा माड़ी पेट्रोलियम के 11 नंबर शर्ल्ड, यहां पर जबरदस्त अटैक मगर बाल बाल बचे, जबरदस्त यहां पर अटैक किया था माड़ी पेट्रोलियम ने। हाँ जी अम्ब्रेला नहीं, मैं रख के आ गया, मैं ले आऊंगा मस्त बनाया, हॉकी के जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन बताएगा कौन कौन दोस्त कहां से हमें लाइव देख रहा है, हॉकी लवर जितने भी हैं पेज को लाइक और फॉलो कर लें, मजीद आपको तफसीलात तमाम मैचेस लाइव इसी पेज से दिखाए जाएंगे और तफसीलात स्पोर्ट्स न्यूज पी के फेसबुक पेज पर आपको मिलेंगी इस टूर्नामेंट के हवाले से, और लाइव मैचेस तमाम इसी पेज पर आप दोस्तों को देखने को मिलेंगे, वीडियो को शेयर करना है, बाकी जो मैचेस हैं वो आपको HD कैमरों के साथ दिखाए जाएंगे जो कि आज के दिन के बाकी 3 मैचेस होंगे, तो मसनूई लाइटों में भी मैचेस हैं, तो आप तम दोस्तों ने हमें सेकंड टाइम भी ज्वाइन जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से हॉकी लवर आज का ये मैच एंजॉय कर रहे हैं। एक बार फिर अच्छा अटैक माड़ी पेट्रोलियम की तरफ से मगर आज पाकिस्तान पुलिस की टीम फर्स्ट क्वार्टर में काफी अच्छा खेल पेश करती हुई इस वक्त अच्छे अंदाज से डिफेंस कर रही है माड़ी पेट्रोलियम की टीम को
और माड़ी पेट्रोलियम के ज़्यादातर प्लेयर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और कल ही वाघा बॉर्डर के जरिए से एशियन चैम्पियन ट्रॉफी खेलकर वापस आए हैं। एक बार फिर बॉल जो है वो माड़ी पेट्रोलियम के प्लेयर्स के पास, 14 नंबर डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश, यहां पर प्लंटी कॉर्नर ले पाएंगे और प्लंटी कॉर्नर लेने में कामयाब टीम माड़ी पेट्रोलियम MPCL। डॉर हॉकी एकेडमी से इरफान जिया वेलकम करते हैं। इरफान भाई कैसे हैं? गुलाम फरीद दर्ज कर रहा हूं, कैसे हैं इरफान जिया साहब? बहुत शुक्रिया सर आपका और आपकी हौसला अफजाई का, आप हमारे साथ लाइव हैं। वीडियो को शेयर कर दें डॉर हॉकी एकेडमी के ग्रुप्स में और आपको इंशाल्लाह सेकंड जो मैचेस हैं इरफान भाई वो आपको HD कैमरों से दिखाए जाएंगे। थोड़ा सा स्टार्ट में आज पहला मैच था तो कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज आ रहे हैं हमारे अपने, तो इंशाल्लाह बाकी मैचेस आपको HD रिजल्ट के साथ दिखाएंगे। और थोड़ा जूम कर दें गोल पोस्ट पे, माड़ी पेट्रोलियम गोल करने की कोशिश करेगी क्योंकि गोल्डन चांस है और यहाँ पर मिस कर दिया है चांस, बॉल डिलीवर सही तरी अंदाज से नहीं कर सके। बॉल पुलिस के प्लेयर्स के पास, यहां पर अच्छा अटैक, डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश और ट्राई मिस कर दिया है। और जितने भी हॉकी लवर्स हमारे साथ हैं वीडियो को शेयर करेंगे एक एक बार। 17 नंबर के पास बॉल, बीस से 17, जबरदस्त यहां पर बॉल को रोटेट करने में कामयाब हो रहे हैं माड़ी पेट्रोलियम सर्विस के प्लेयर। बीस नंबर से बॉल डिलीवर कर दी 25 के अंदर, बॉल नहीं अभी फॉरवर्ड लाइन के पास, जबरदस्त अटैक यहां पर माड़ी पेट्रोलियम की तरफ से। अब तक काफी अच्छा अटैक कर चुके हैं मगर कामयाब नहीं हो रहे गोल करने में अब तक माड़ी पेट्रोलियम के प्लेयर्स। पुलिस की टीम भी काफी अच्छे अंदाज से आज खेलती है, उनके कोच हैं फयाज साहब, सरगोधा से उनका ताल्लुक। फाउल माड़ी पेट्रोलियम के प्लेयर्स अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं। यहां पर हाइड बॉल थी और नहीं जी, अब्दुल्ला के पास बॉल, अब्दुल्ला से अनवर, अनवर से एहतेशाम, राइट आउट को बॉल दी है, डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश और बॉल मिलेगी फ्री। अंपायर का इशारा थोड़ा कोल्ड डाउन, बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का। वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में, हॉकी का इवेंट है। और स्कूप के जरिए बॉल, एरियल बॉल था, डी के अंदर दाखिल अगेन, यहां पर गोल्डन चांस है गोल का मगर अच्छा डिफेंस किया है टीम पुलिस के डिफेंडर। अली अनवर, यहां पर फर्स्ट क्वार्टर में काफी अच्छी डिफेंस देखने को मिली है टीम पुलिस की तरफ से। बॉल रहेगा अभी भी माड़ी पेट्रोलियम के प्लेयर्स के पास 25 लाइन से,
पुलिस के प्लेयर्स के पास बॉल, लगातार अटैक कर रही है टीम पुलिस। यहां पर हिट लगाई थी और यहां पर गोल्डन चांस था गोल करने का। यहां पर अच्छी अंपायर की कॉल के प्लेंटी कॉर्नर, अगेन प्लेंटी कॉर्नर नंबर 2 मिला है टीम पुलिस को। अब तक फर्स्ट क्वार्टर में जो है टीम पुलिस वो काफी छाई हुई है, काफी एफर्ट कर रहे हैं उनके लड़के। टीम पुलिस की बात करें तो इनके पास फैजान गोलकीपर, बिलाल असलम, समीन, आमिर शहजाद, हमजा अली लियाकत। प्लंडी कॉर्नर, अगेन प्लंडी कॉर्नर, यहां पर 70% चांस होते हैं गोल के प्लंडी कॉर्नर पर। अंपायर की विसल, बॉल को डिलीवर किया, यहां पर कमाल का यहां पर माड़ी पेट्रोलियम के डिफेंडर की तरफ से जबरदस्त तरीके से गोल को सेव किया गया है। वसीम अकरम थे डिफेंडर और यहां पर अच्छे अंदाज से बॉल को एहतशाम ने बॉल को लिया और अभी भी बॉल माड़ी पेट्रोलियम के प्लेयर्स के पास। अब्दुल्ला के पास बॉल, दोबारा एहतशाम के पास सेंटर लाइन पर, सेंटर से 25 लाइन, यहां पर थोड़ा माड़ी पेट्रोलियम के प्लेयर्स थके थके नजर आ रहे हैं। अभी तक वो जान और जज्बा नहीं देखा गया अब तक मैच में, क्योंकि पुलिस की टीम लगातार अटैक करती हुई यहां पर जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया है 11 नंबर शर्ट वकार अली ने बॉल को लेकर जाते हुए। अरशद लियाकत, फर्स्ट क्वार्टर का खेल जारी, इख्तिताम के बिल्कुल करीब, यहां पर डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश। यहां पर जबरदस्त खेल, गोल हो सकता है, अंपायर कॉल है जी प्लेंटी कॉर्नर, प्लेंटी कॉर्नर नंबर 2 मिला है टीम माड़ी पेट्रोलियम को। क्या फायदा उठा पाएगी टीम माड़ी पेट्रोलियम? जूम आउट, थोड़ा सा जूम कर दें सामने गोल के ऊपर। इरफान भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार माड़ी पेट्रोलियम के पास ये चांस है गोल करने का और अपनी बर्तरी बनाने का। विसल, अंपायर की विसल, यहां पर जबरदस्त तरीके से पहला गोल इस टूर्नामेंट का गोल, अरशद लियाकत आई थिंक थे, कौन है शेल नंबर बताते हैं आपको। और इस टूर्नामेंट का पहला गोल करने में कामयाब, मेरे ख्याल से जुनेद रसूल थे जिन्होंने ड्रैग फ्लिक के जरिए गोल स्कोर किया। फर्स्ट क्वार्टर में पहला गोल, अपनी टीम को बर्तरी दिलवाने में कामयाब। सेकंड प्लंटी कॉर्नर पर फर्स्ट क्वार्टर का खेल जारी, आपको बताता जी सेकंड मैचेस जो भी हैं आपको एचडी कैमरों के जरिए दिखाए जाएंगे। सेकंड दूसरा मैच आज के दिन का होगा ठीक 4 बजे, तीसरा मैच 6 बजे और चौथा मैच रात 8 बजे। दिल्ली की बुनियाद पर 4-4 मैचेस खेले जाएंगे। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको कहने की किसी भी व्यूवर्स को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस आपको अच्छे अंदाज से दिखाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। और आप कोई ये तमाम वीडियोस, ये मैचेस की हाइलाइट्स आपको स्पोर्ट्स न्यूज पीके एंड फ्रेंड स्पोर्ट्स चैनल यूट्यूब पर भी मिलेंगी।
बॉल दो नंबर के पास, माड़ी पेट्रोलियम के प्लेयर अगर कोई और भी हॉकी लवर मैच देख रहा है, एंजॉय कर रहा है तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मेरे ख्याल से इन्होंने हाफ किया है, हाफ नहीं जी क्वार्टर फाइनल, एक क्वार्टर ही हुआ है अभी, फर्स्ट क्वार्टर हो गया 15 मिनट का। तो स्कोर है माड़ी पेट्रोलियम 1 और पंजाब पुलिस जो है पाकिस्तान पुलिस वो 0-0। अच्छा 5 नंबर ने गोल किया था, 5 नंबर का गोल था, हाँ जी जुनेद रसूल, हाँ जी करे हो चल रहा पाया ना, चलो ठीक हो गया। पाँच नंबर सीगा, पाँच नंबर जुनेद रसूल हाँ जी भाई जी, एक ही बार दूसरे क्वार्टर का खेल स्टार्ट होने को, मोहम्मद अकरम ने हमें ज्वाइन किया, ओन अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम ओन अब्बास, शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का। ओन अब्बास इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं हॉकी के हवाले से। मोहम्मद मलिक, मोहम्मद अकरम ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम सलाम। माजिद ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस, आज के जो बकिया 3 मैचेस हैं वो आपको HD कैमरेज के जरिए आपको दिखाए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप दोस्तों ने हमें सेकंड मैचेस में ज्वाइन जरूर करना है और हमारा साथ देना है और हमें सपोर्ट करना है। एरियल बॉल पुलिस के प्लेयर 8 नंबर के पास, मगर अंपायर की विसल फाउल। फुलबैक के पास बॉल, जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं हॉकी लवर हैं ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा स्ट्रीमिंग। और पुलिस का अच्छा अटैक अगेन, यहां पर डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश, डी के अंदर दाखिल, यहां पर जबरदस्त अब्दुल्ला ने सेव किया है, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गोलकीपर है माड़ी पेट्रोलियम की तरफ से। और आपको बताता चलूं पाकिस्तान जूनियर सीनियर की नुमाइंदगी भी इस वक्त कर चुके हैं अब्दुल्ला। और अपने प्लेयर्स को समझाते हुए, आई थिंक मेरे ख्याल से कप्तान भी हैं टीम के ओनबास, बाकी प्लेयर्स जो भी हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया सर, शेयरिंग करनी है, शेयरिंग करनी है हॉकी ग्रुप्स में, शेयरिंग जरूर करनी है। बाकी मैचेस आपको इंशाल्लाह ताला HD कैमरों के जरिए दिखाए जाएंगे, सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच, डेली बेसिस पर। आज भी 4 मैच हैं, कल भी 4 और जुमेरात को भी 4 मैचेस, जुमे वाले दिन 2 मैचेस हैं, उसके बाद हफ्ते वाले दिन सेमीफाइनल और एतवार वाले दिन रात 8 बजे फाइनल।
अगेन प्लेंटी कॉर्नर नंबर तीन मिला है, यहाँ पर अगेन चांस मिला है टीम माड़ी पेट्रोलियम एमपीसीएल को कि वो गोल स्कोर करें और अपनी बर्तरी को दुगना करें। इरफान जिया साहब नेक्स्ट मैच आज का 4 बजे, आपको बाकी डिटेल्स में ग्रुप्स में भी सेंड कर दूंगा। और 4 बजे नेक्स्ट मैच होगा माड़ी पेट्रोलियम के प्लंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट इस वक्त हैं, किस तरह बॉल को भेजेंगे, ड्राइव फ्लिक और अच्छा डिफेंस यहां पर करने में कामयाब टीम पाकिस्तान पुलिस। सरगोधा से आप हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं, शुक्रिया सर आपकी हौसला अफजाई मोहब्बतों का। मोहम्मद अक्रम भाई कहते हैं कि जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। अगेन एक बार फिर बॉल माड़ी पेट्रोलियम के प्लेयर्स के पास, अगेन गोल करने की कोशिश मगर जबरदस्त डिफेंडर हैं पंजाब पुलिस के, पाकिस्तान पुलिस की टीम इस वक्त 8 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं और यहां पर बॉल मिली है पाकिस्तान पुलिस को। अगेन डी के अंदर दाखिल टीम माड़ी पेट्रोलियम, जबरदस्त गोल का चांस है और यहां पर देखना पड़ेगा, अच्छा डिफेंस पुलिस के गोलकीपर का, जबरदस्त डिफेंस। अगर बात की जाए टीम पुलिस की तो डिफेंडर इनके बहुत ज्यादा, डिफेंस इनकी बहुत ज्यादा मजबूत है फॉरवर्ड लाइन की निस्बत। माड़ी पेट्रोलियम अगेन अटैक पर मौजूद है, देखते हैं कि इस वक्त यहां पर अगेन एक बार फिर अच्छा डिफेंस मगर डी के अंदर दाखिल टीम माड़ी पेट्रोलियम और अंपायर कॉल देखनी पड़ेगी, फ्री बॉल पुलिस के प्लेयर्स के पास बॉल। हॉकी लवर वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, तमाम हॉकी लवर वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। रिजल्ट के बारे में बता दीजिएगा तमाम दोस्त, रिजल्ट के बारे में बता दीजिएगा। नेक्स्ट मैचेस पर कोई इशू नहीं होंगे आपको, फर्स्ट मैच है तो भी कुछ मैनेजमेंट कुछ काम रहते हैं जिसकी वजह से थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस आपको एचडी कैमरों से लाइव दिखाने देखने को मिलेंगे आप सब तमाम दोस्तों को। और आप तमाम दोस्तों को बताता चलूं कि डॉर हॉकी एकेडमी जो कि पाकिस्तान की बेहतरीन एकेडमीज में शुमार होता है, डॉर हॉकी एकेडमी के जिसके ज़्यादातर मामला इरफान जिया साहब संभालते हैं, बहुत ही बेहतरीन हमारे दोस्त हैं, बहुत ही बेहतरीन हॉकी लवर हैं और 18 जो इनके प्लेयर्स हैं वो इस वक्त इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। इस टूर्नामेंट में जो 8 टीमें शिरकत करी हैं इनमें 18 प्लेयर डॉर हॉकी एकेडमी के हैं और तकरीबन अगर बात की जाए तो कॉर्नर मिलेगा नहीं जी, फ्री बॉल है। और आपको बताते चलो डॉर हॉकी एकेडमी के 18 प्लेयर्स इस वक्त मुख्तलिफ टीम्स में खेल रहे हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से वार्निंग दी गई है अंपायर हारून की तरफ से डिफेंडर को, प्लीज के जो डिफेंडर प्लेयर्स हैं कि आइंदा गलती की तो आपको कार्ड दे दिया जाएगा। गर्मी की शिद्दत इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त, अयूब पार्क नेशनल अयूब पार्क में इस वक्त मौजूद सेकंड माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी कप 2023 15 से 20 अगस्त तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। जनरल
इश्फाक नदीम हॉकी स्टेडियम अयूब पार्क रावलपिंडी से लाइव आपके साथ। जबरदस्त स्किल्स का सिलसिला जारी मारी पेट्रोलियम की तरफ से, अटैक अगेन अटैक। और डी के अंदर दाखिल, अगेन प्लीज को काउंटर अटैक। यहां पर डिफेंस करने में अनवर जो है वो कामयाब हो गए हैं मारी पेट्रोलियम के फुल बैक। मोहम्मद अकरम भाई बहुत शुक्रिया सर, अभी आपको सेकंड मैचेस में इंशाल्लाह आपको बेटर रिजल्ट बेटर कमेंट्री आप सब दोस्तों को देखने को और सुनने को मिलेगी। और इन मैचेस की हाइलाइट्स भी आप सब दोस्तों को देखने, 25 से बॉल को स्टार्ट किया है, यहां पर जबरदस्त अटैक पर आ रही है टीम पुलिस, मगर यहां पर और प्लेंटी कॉर्नर गलती। प्लेंटी कॉर्नर मिला है सामने को टीम माड़ी पुलिस को, और देखते हैं कि किस तरह फायदा उठा पाएगी टीम पुलिस। अब्दुल्ला काफ़ी बेहतरीन गोलकीपर हैं माड़ी पेट्रोलियम के, पाकिस्तान जूनियर सीनियर की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और अपनी टीम को आई थिंक लीड भी कर रहे हैं आज। गोल पोस्ट के अंदर एक गोलकीपर और चार बकिया प्लेयर यहां पर डायरेक्ट फ्लिक के जरिए बॉल को पहुंचाना चाहते थे, मगर यहां पर अगेन प्लेंटी कॉर्नर। अनवार थोड़े जज्बाती प्लेयर लग रहे हैं मुझे 17 नंबर में, और दलेर और जज्बाती प्लेयर। चार छः 17 19 नंबर एक नंबर गोल पोस्ट के अंदर अगेन प्लेंटी कॉर्नर मिला है टीम पुलिस को, क्या लीड खत्म कर पाएगी माड़ी पेट्रोलियम की। और यहां पर एरिया चेंज किया, अगेन अच्छा डिफेंस, यहां पर जबरदस्त अंदाज से बॉल को क्लियर किया है, मगर अगेन फॉरवर्ड लाइन भी किसी से कम ना थी 8 नंबर की गलती की वजह से, गोल ना गोल करने में कामयाब, गोल नहीं कर सकी टीम। तमाम दोस्त बहुत शुक्रिया, जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत शुक्रिया। गुलाम फरीद तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है। स्पोर्ट्स न्यूज पीके एंड फ्रेंड स्पोर्ट्स चैनल पर तमाम मैचेस आपको लाइव मिलेंगे, तमाम इस टूर्नामेंट के एमपीसीएल वेरी डेंजर टीम और फांसिया साहब जी जनाब बहुत शुक्रिया। और आप तमाम दोस्तों को बताते चलो HD रिजल्ट के साथ आपको बाकी मैचेस देखने को मिलेंगे इस टूर्नामेंट के जो बकिया मैचेस हैं। हॉकी के हॉकी लवर जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं आपने कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कि आपको किस तरह लग रही है हमारी कवरेज, और बाकी मैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या ख्याल है आज का मैच कौन विन कर पाएगा? हॉकी लवर जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करना है व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में। पुलिस और MPCL के दरमियान बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट का, इफ्तिताही मैच पहला मैच इस वक्त जारी, सेकंड क्वार्टर फाइनल। फर्स्ट क्वार्टर के इख्तिताम पर माड़ी पेट्रोलियम ने एक गोल की बढ़तरी हासिल की थी प्लेंटी कॉर्नर पर, और इस वक्त जबरदस्त खेल पेश करती हुई टीम माड़ी पेट्रोलियम एंड पुलिस। गलत
अच्छा बॉल लेने में कामयाब टीम, पुलिस के प्लेयर 12 नंबर, पाकिस्तान पुलिस जबरदस्त, माजिद कहते हैं। यहां पर अगेन अटैक पर हाइड बॉल और यहां पर 3 नंबर शेल ने थोड़ा डेंजर खेला है जिस वजह से फॉल दिया गया है। और इस वक्त अगेन अटैक पर माड़ी पेट्रोलियम की टीम, फ्रंटी कॉर्नर अगेन, अगेन प्लंटी कॉर्नर मिला है टीम माड़ी पेट्रोलियम सर्विस MPCL को। अगेन बर्तरी को दुगना कर पाएगी टीम माड़ी पेट्रोलियम। अब्दुल्ला कप्तान आप हो? कौन है? वसीम। कैन यू नेम पुलिस टीम? जी जनाब, मैं आपको पुलिस के टीम के नाम टीम लिस्ट बताता हूँ। और यहाँ पर अंपायर आपस में मशवरा करते हुए, तो मैंने चेक नहीं किया अभी तक। और फैजान गोलकीपर हैं, बिलाल असलम, सामीन, आमिर शहजाद, हमजा लियाकत, बिलाल अवान। यहां पर प्लांटी कॉर्नर मिला है टीम, यहां पर गोल में कन्वर्ट कर दिया प्लांटी कॉर्नर को, सेकंड प्लांटी कॉर्नर टीम माड़ी पेट्रोलियम सेकंड क्वार्टर में। अरशद है जी, मोहम्मद सैफ सैफ भाई, मलिक सैफ भाई, अरशद लियाकत है, अरशद लियाकत है जी, सेकंड गोल करने में कामयाब, 6 नंबर शर्ट में थे, अली रजा थे आई थिंक। जबरदस्त गोल, सेकंड क्वार्टर का खेल जारी इस वक्त। पुलिस की बात की जाए तो हसन भट्ट, आतिफ हैं इनकी तरफ से कप्तान, मोहसिन जट, आसिफ, शहजाद, अली नसीर, शुएब, गुलाम डोगर। यहां पर आई थिंक सेकंड क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है, हाफ टाइम मुकम्मल और बर्तरी हासिल है इस वक्त। आप दोस्तों को बताते चलो, MPCL 2 और टीम पुलिस 0, दोनों ही गोल प्लंटी कॉर्नर के जरिए किए गए हैं माड़ी पेट्रोलियम सर्विस की तरफ से। तमाम दोस्तों की ज्वाइनिंग का शुक्रिया, तमाम दोस्त जितने भी दोस्त हमारे साथ लाइव हैं बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का और हौसला अफजाई का। स्टॉप करोगे या दोबारा से स्टार्ट करोगे? जी दोस्तों, क्या ख्याल है कौन सी टीम करेगी आज का ये मुकाबला, अपने नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। यस सर, आजे मैं उतनी देर थोड़ी रिपोर्ट बना लूं। पांच मिनट का वक्फा होगा। पुलिस एंड माड़ी पेट्रोलियम, इसके अलावा और नेवी है, पंजाब रेंजर्स हैं, और उसके अलावा हैं अपना पंजाब नेजर, नेवी, एयरफोर्स, 8 टीमें हैं टोटल। साड़ी को बॉल कितना आना, मेरे उसी थोड़ी बहुत देखो
अपन तो बात डिस्कस कर रहे हैं इधर मैंने हो गई हम जब मरा गया पानी गया पानी और मंगा लेंगे जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जनाब। पहला हाफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त स्कोर है माड़ी पेट्रोलियम 2 पाकिस्तान पुलिस 0। जी मलिक सैफ साहब सर वेलकम जनाब, मलिक सैफ साहब वेलकम जनाब। ना सर, नवा मॉडल है, साल पहले था तो मिल ही नहीं रहा। मार बहुत हम गए,
अपने दुकान दे इस्तेमाल होगा काम वाला ना मेरी बस आंदी कंस्ट्रक्शन दी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल अच्छा बिल्डिंग बाहर किन्नू साथ गया छोटा भाई हूँ वाला साहब मैं अलहदा एक और दुकान था दूसरे दुकान का छोटा भाई भी मैंने तो पहले बड़े लोगों ने कहा मैं जानना नहीं मैं होने क्यों लगा मैं बता रहा हूँ और MPCL कंफर्म अच्छा भाई MPCL कंफर्म जीतेगी ये तो अब इंशाल्लाह ताला सेकंड में पता लगेगा कि कौन जीता है अभी 30 मिनट का खेल बाकी है कुछ भी हो सकता है इस 30 मिनट में क्वार्टर फाइनल नंबर 3 जी वेलकम बैक क्वार्टर नंबर 3 इस वक्त माड़ी पेट्रोलियम और पाकिस्तान पुलिस ग्राउंड में उतर चुकी है 2-0 का इस वक्त खेल हो चुका है 2-0 और इस वक्त साइड जो है वो रोटेट हो जाती हैं हाफ टाइम के बाद जो साइड हैं वो रोटेट हो जाती हैं क्योंकि ये साइड पहले थी माड़ी पेट्रोलियम की और माड़ी पेट्रोलियम ऑपोजिट साइड पर चली गई है तो हाफ टाइम के बाद रोटेट हो जाती हैं साइडें हॉकी में तो हॉकी लवर्स को तो पता है मगर जो हमारे क्रिकेट लवर्स जो हमारे साथ हैं जुड़े हैं देख रहे हैं तो उनको भी इस बारे में कुछ मालूमात नहीं होती क्योंकि ये उनकी फील्ड नहीं है तो हम बताते चलें कि ताकि नेशनल गेम जो हॉकी है उन्हें भी सपोर्ट करें तमाम दोस्त हमारा कौमी खेल हॉकी है कोई ऐसा बड़ा वर्ल्ड का इवेंट नहीं है हॉकी में जो पाकिस्तान की टीम ने अपने नाम ना किया हो अब इस मौजूदा सूरत हाल में थोड़ा जवाल का शिकार है टीम पाकिस्तान हॉकी जो इससे पहले ओलंपिक्स हो एशियन चैंपियन ट्रॉफी हो एशियन गेम्स हो वर्ल्ड कप हो सभी पाकिस्तान के नाम रहा है अभी तक इस वक्त गेम प्लान जारी दोनों टीमों का और यहाँ पर मेरे ख्याल से वह अटैक पर आएगी लगातार क्योंकि 2-0 की बत्तरी हासिल है टीम माड़ी पेट्रोलियम को तो थोड़ा जूम करना ये कंफर्म आएगा माड़ी का गोल का अगर आएगा तो ठीक है बकरी रखो ना तो क्या ख्याल है आपका बढ़तरी भर पाए यहाँ पर अब देखते हैं एरियल बॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा हिट की है बॉल और यहाँ पर बॉल को रोकने में कामयाब 10 नंबर शर्ट गोल का चांस हो सकता है यहाँ पर प्लेंटी कॉर्नर लेने में कामयाब टीम माड़ी पेट्रोलियम सर्विसेज यहाँ पर एक और गोल का चांस हो सकता है थोड़ा आगे कर लें ये भी चीज नजर आ जाएगी है स्टैंड को आगे कर दूं टीम माड़ी पेट्रोलियम के पास गोल्डन चांस है इस वक्त गोल का 11 नंबर बॉल को डिलीवर करेंगे और देखते हैं कि बॉल को गोल पोस्ट में भिजवा पाएंगी टीम माड़ी पेट्रोलियम यहां पर बॉल को डिलीवर किया जबरदस्त बैक फ्लिक और गोल एक और जबरदस्त गोल गोल नंबर 3 MPCL
टीम एमपीसीएल 3-0 की बढ़तरी के साथ इस वक्त थर्ड क्वार्टर जारी। तीन जीरो की बढ़तरी हासिल कर ली है माड़ी पेट्रोलियम में। पाकिस्तान पुलिस के पास बॉल, बॉल गया 13 नंबर से बॉल बिल्कुल थोड़ा सा बैक फुट पे आए हैं। 18 नंबर इस बॉल को एरियल बॉल दिया और यहां पर वर्स फ्लिक वंस अगेन माड़ी पेट्रोलियम 3-0 की बढ़तरी हासिल। एक बार फिर अटैक करने के मूड में बॉल आगे बढ़ता हुआ 7 नंबर के पास गया बॉल, बिल्कुल बॉल को लेकर जी 11 नंबर के पास बॉल और ये 25 यार्ड से बिल्कुल अंपायर सिग्नल फॉल, डी के अंदर नहीं था, डी के बाहर से बॉल किया था। पाकिस्तान पुलिस, देखने की बात यह है कि पाकिस्तान पुलिस जो है इस बढ़तरी को कैसे खत्म कर पाएगी। वंस अगेन माड़ी पेट्रोलियम आगे बढ़ती है 11 नंबर शर्ट यहाँ पर, अच्छा डिफेंसिंग पुलिस का 13 नंबर शर्ट में, मगर एक और प्लंटी कॉर्नर यहाँ पर टीम पुलिस को, पुलिस के पास चांस है बर्तरी को कम करने का, क्या बर्तरी कम कर पाएगी टीम पुलिस? अगर मैच में रहना है टीम पुलिस ने तो बर्तरी को कम करना जरूरी है। अगर दोनों टीमों की देखा जाए तो टीम जो माड़ी पेट्रोलियम है ये काफी बेहतर है, 70-30 का अगर कम्बिनेशन देखा जाए तो 70-30 है, क्योंकि माड़ी पेट्रोलियम के ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल टीम जूनियर और सीनियर्स का हिस्सा हैं। पाकिस्तान पुलिस बॉल को डिलीवर किया यहाँ पर स्किल के जरिए, अगेन यहाँ पर डेंजर बॉल, हिट कर दिया था बॉल को, हिट के जरिए गोल पोस्ट में बॉल को भिजवाना चाहते थे टीम पुलिस के प्लेयर मगर नाकाम हुए। लियाकत के पास बॉल, सेंटर लाइन के ऊपर बॉल, फॉरवर्ड्स के पास मौजूद, एरियल बॉल मिला है राइट आउट को, बॉल को डिलीवर किया है गोल के अंदर यहां पर, अच्छा
गेम खुले काउंटर अटैक पर। एक बार फिर क्या बर्तरी कम कर पाएगी एरियल बॉल, यहाँ पर डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश टीम पुलिस की, डी के अंदर दाखिल, यहाँ पर डी में मौजूद हैं, अंपायर कॉल देखनी पड़ेगी। 25 से बॉल दोबारा से स्टार्ट की जाएगी, 25 लाइन से जबरदस्त मुकाबला चारी, तीनों ही गोल माड़ी पेट्रोलियम की तरफ से वो जो है प्लेंटी कॉर्नर पर किए गए हैं। प्लेंटी कॉर्नर पर गोल करने के जो चांसेस हैं वो 70% होते हैं। इस वक्त बॉल अगेन माड़ी पेट्रोलियम के पास, बॉल को लेकर दाखिल और बॉल जाया कर दिया 11 नंबर ने। क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर नंबर 3 चल रहा है इस वक्त, थर्ड क्वार्टर आज के मैच का। फर्स्ट मैच MPCL, सेकंड माड़ी पेट्रोलियम। पुलिस के डिफेंडर के पास बॉल, वहां से अरशद लियाकत जबरदस्त तरीके से बॉल को अपने पास रखा हुआ है। डी के अंदर होने की, दाखिल होने की कोशिश यहां पर, अरशद लियाकत के पास बॉल यहां पर, और यहां पर प्लंटी स्ट्रोक, यहां प्लंटी कॉर्नर, गोल करने में नहीं जनाब, गोल नहीं होगा, फाउल था MPCL के प्लेयर का और ये गोल जो है वो काउंट नहीं होगा। इस वक्त माड़ी पेट्रोलियम ग्राउंड से जबरदस्त यहां पर सेव, वाइड बॉल था। तमाम दोस्तों को गुलाम फरीद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज पी के फेसबुक पेज और मैं आप लोगों का दोस्त गुलाम फरीद, हमारे साथ असलम भाई और एक और कैमरामैन मौजूद है, खैर हाई कर देंगे असलम भाई। और इस वक्त इस्लामाबाद से लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं, माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी कप एडिशन नंबर 2 इस वक्त नेशनल पार्क इस्लामाबाद से लाइव, इस वक्त पहला मैच जारी है माड़ी पेट्रोलियम वर्सेस पुलिस के दरमियान। 3 गोल की सबकत हासिल है टीम पुलिस को। थर्ड क्वार्टर जारी आज के मैच का, अली ने ज्वाइन किया, अली कैसे हैं आप? एक और प्लंटी कॉर्नर मिल गया टीम पुलिस को, टीम पुलिस बर्तरी कम कर पाएगी? नहीं जी, अच्छा डिफेंस टीम माड़ी पेट्रोलियम का। एक भी चलने नहीं दे रही टीम माड़ी पेट्रोलियम,
तीन पुलिस, आज के दिन के तीन और मैचेस लाइव होंगे आपके साथ। जी तो दोस्तों, क्या ख्याल है कौन सी टीम विन कर पाएगी? अगेन एक बार फिर सतार के पास थी बॉल, उमर सतार है मेरे ख्याल से, उमर सतार। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई, बहुत शुक्रिया सर। बाकी अब हम 20 तारीख तक इधर ही हैं और आपको हॉकी मैचेस दिखाएंगे यहाँ से लाइव। अगेन एक बार फिर अटैक पर आ गई है टीम माड़ी पेट्रोलियम, तीन गोल की बर्तरी हासिल है माड़ी पेट्रोलियम को और थर्ड क्वार्टर का गेम जारी है। तो अभी भी प्लीज की यहाँ पर जबरदस्त बॉल लिया है, यहाँ पर गोल का चांस मगर अच्छा डिफेंस, जबरदस्त डिफेंस है टीम पुलिस की तरफ से। यार्ड से बॉल चलाई जाएगी और 5 यार्ड तक आप कोई भी प्लेयर बॉल को डिफेंड नहीं कर सकता, वरना प्लंटी कॉर्नर और कार्ड भी मिल सकता है आपको। एरियल बॉल और टीम जबरदस्त गोल, 3-1 से मुकाबला, तीसरे क्वार्टर का खेल जारी, आखिरकार पुलिस के प्लेयर ने गोल करने में कामयाब हो गए हैं और थर्ड क्वार्टर हुआ इख्तिताम पजीर। एंड हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? स्टार्ट हो गया दोबारा? थर्ड क्वार्टर का खेल जारी इस वक्त, एक गोल किया यार पुलिस ने, पुलिस एक, तीन माड़ी पेट्रोलियम, माड़ी पेट्रोलियम तीन। नंबर के पास बॉल, अच्छा डिफेंस था टीम पुलिस का, अगर अगेन गोल के बाद थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो गया।
ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ गोल ही नहीं आ सके यार क्या गोल था बाकी सिस्टम ते अपना चलाना लाजमी मैच में आएगा तारा रेंज कर देंगे अपन मसाने में बिजली हो चुका है प्लेयर को 13 नंबर शल को आई थिंक 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे ग्राउंड से एक बार फिर फोर्थ क्वार्टर का खेल जारी इस वक्त सेकंड माड़ी पेट्रोलियम आजादी कप 2023 15 से 20 अगस्त तक के टूर्नामेंट लगातार चलेगा दिनों रात जनरल इश्फाक नदीम हॉकी स्टेडियम रावलपिंडी से अयूब पार्क रावलपिंडी से लाइव आपके साथ एमपीसीएल के जेरे एहतमाम जेरे इंतजाम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन यहां पर एक बार फिर डी के अंदर दाखिल Yeah.
सेंटर लाइन पर बॉल एक बार फिर डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश अब्दुल्ला के पास बॉल अब्दुल्ला से मैर यहां पर डी के अंदर गोल की कोशिश यहां पर एरियल बॉल यहां पर अच्छा डिफेंस भी माड़ी पेट्रोलियम का मिस कर दिया है गोल का चांस मिस कर दिया बर्तरी कम हो सकती थी और मैच में वापसी आ सकती थी टीम पुलिस आई थिंक 4-1 की बर्तरी हासिल टीम माड़ी पेट्रोलियम को माड़ी पेट्रोलियम 4 पुलिस 1 और इस जगह से वापसी मुश्किल हो सकती है क्योंकि लीड जब बढ़ जाती है आखिरी क्वार्टर होता है तो आखिरी मिनट्स में इतने गोल से बर्तरी आप वापस नहीं आ सकते आप मैच में वापस नहीं आ सकते आप ये देखो कंप्लीट पेनल्टी क्या हुआ ये कुछ नहीं समझ रहा यस पेनल्टी कॉर्नर काम है मुझे समझ नहीं आई बॉल तो इधर था प्लेंटी कॉर्नर इतनी लेट कर रही है बॉल उधर बॉल चल रही है ये बात है प्लेयर ने बॉल बॉल के होल्ड कर अच्छा अच्छा मैं वो वही तो है बॉल का बस इस तरह को हां यानी होगा प्लेंटी कॉर्नर बस वही दिख प्लेंटी कॉर्नर मिल चुका है इस वक्त टीम पुलिस को क्या बर्तरी कम कर पाएगी टीम पुलिस प्लेंटी कॉर्नर और ड्रैग फ्लिक यहाँ पर स्किल का इस्तेमाल किया मगर अच्छे अंदाज से टीम है माड़ी पेट्रोलियम के फुल बैक ने बॉल को क्लियर किया एरियल बॉल यहाँ पर जाया बॉल को जाया किया टीम पुलिस के प्लेयर्स ने पुलिस की अगर फॉरवर्ड लाइन की बात की जाए तो उन्होंने इतना जबरदस्त खेल पेश नहीं किया जितनी डिफेंस ने जबरदस्त खेल पेश किया है टीम पुलिस की माड़ी पेट्रोलियम के तीनों गोल जो थे तीन गोल पहले वो प्लेंटी कॉर्नर्स के जरिए किया गया और एक फील्ड गोल था फायर बॉल के अंदर बॉल गोल हो सकता है और एक और चांस मिस कर दिया टीम पुलिस ने आज काफी मिसिंग की है फॉरवर्ड लाइन टीम पुलिस ने एक बार फिर आपको दोनों टीमों की प्लेइंग साइड्स बताता चलूं अगर टीम माड़ी पेट्रोलियम की बात की जाए तो मोहम्मद अब्दुल्ला गोलकीपर मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं वो फुल बैक अरबाज अहमद एहतशाम असलम जुनेद रसूल अली रजा अरशद लियाकत हाशिर अली नवीद आलम वसीम अकरम वकार अली मोहसिन गोलकीपर उमेर सतार खैरुल्ला शाह फराज खान अली अनवर उमेर मुश्ताक एंड सुफियान खान और टीम मैनेजर हैं यासिर इश्फाक
और अगर पुलिस टीम की बात की जाए तो फैजान गोलकीपर, बिलाल असलम, समीन, आमिर शहजाद, हमजा अली लियाकत। यहां पर एक और गोल का चांस हो सकता है। अच्छा गोलकीपर का अच्छा सेव। कयूम डोगर, शुएब अली अनवर, शाहिद आसिफ, मोहसिन आतिफ हुसैन भट्टी। एक और गोल का चांस यार, मगर अरशद लियाकत बॉल को यहां पर जबरदस्त तरीके से हॉकी देखने को मिल रही है। अगेन चांस है, अच्छा सेव टीम पुलिस के। अगेन प्लंटी कॉर्नर, प्लंटी कॉर्नर मिल चुका है और मैनेजर हैं चौधरी फयाज साहब जो के डीएसपी हैं। प्लंटी कॉर्नर मिला है, प्लंटी कॉर्नर नंबर 5। प्लंटी कॉर्नर अगेन मिला है माड़ी पेट्रोलियम टीम, माड़ी पेट्रोलियम को। क्या इस प्लंटी कॉर्नर पर भी गोल कर पाएगी? बॉल बॉल बचे हैं गोल होने से। तकरीबन इस मैच के आखिरी 5 से 6 मिनट का खेल जारी है इस वक्त। लाइन से स्टार्ट करेंगे बॉल को टीम पुलिस के प्लेयर। डी के अंदर दाखिल हुए मगर यहां पर अच्छी डिफेंस टीम माड़ी पेट्रोलियम की। काउंटर अटैक करने में कामयाब हो गई है टीम माड़ी पेट्रोलियम। बॉल को मिस कर दिया, मिस कर दिया है बॉल को। गेन अटैक पर यहां पर अकेले हैं प्लेयर, गोल हो सकता है और जबरदस्त गोल, क्या कमाल का गोल, 16 नंबर। और गंदा स्टार्ट ही नहीं सी की व्यू आना चाहिए, प्यारा गोल, बहुत खूबसूरत स्टार्ट ही नहीं सी, जल्दी अच्छी। आगे इधर आ गया
एक बार फिर गोल करने की कोशिश टीम पुलिस की तरफ से और प्लेंटी कॉर्नर मिल चुका है टीम पुलिस को। माड़ी पेट्रोलियम अब तक 5 गोल करने में कामयाब हुए हैं जिसमें 3 प्लेंटी कॉर्नर और 2 फील्ड गोल हैं, और उसके बाद अगर पुलिस की बात की जाए तो एक ही गोल हुआ है अब तक और वो हुआ है आई थिंक प्लेंटी कॉर्नर के जरिए किया गया था पुलिस की तरफ से। एक और प्लेंटी कॉर्नर इसकी आवाज मुझे नहीं होती करके रखा क्या फायदा उठा पाएगी टीम पुलिस प्लेंटी कॉर्नर का। चोट लगी है किसी के तो फोन से है भाई सुबह है बना लिया इसकी टीम बना लिया अपना कैमरा काट के ना अपने सेंटर के व्यू देख लेंगे अगर आपने देखा भी होगा तो हम चेक कर स्कोर भाई 5-1 5-1 है 5-1 5 आखिरी लम्हात चल रहे हैं क्वार्टर 4 के 5 माड़ी पेट्रोलियम और 1 पाकिस्तान पुलिस। कौन है ताहा ताहा भाई कैसे हैं ताहा भाई 5-1 माड़ी पेट्रोलियम 5 ताहा रब्बी जिसमें 3 गोल प्लेंटी कॉर्नर पर और 2 गोल फील्ड गोल थे। आखिरी लम्हात मैच के इस वक्त और मैच हो चुका है इख्तिताम। जबरदस्त मैच रहा आज के दिन का माड़ी पेट्रोलियम वर्सेस पुलिस सेकंड माड़ी पेट्रोलियम आजादी कप 2023 इश्फाक नदीम हॉकी स्टेडियम अयूब पार्क रावलपिंडी जिसका आज पहला मुकाबला आज के दिन का पहला और टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला गया एमपीसीएल वर्सेस पुलिस के दरमियान। माड़ी पेट्रोलियम ने 4 क्वार्टर्स मैच कंप्लीट होने तक 5 गोल किए और पुलिस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 1 गोल किया गया। इंशाल्लाह बाकी मैचेस आपको लाइव दिखाए जाएंगे इसी पेज से HD रिजल्ट के साथ। आपको इंशाल्लाह सेकंड मैच आज का जो नेक्स्ट मैच है वो खेला जाएगा 4 बजे। मैं दोबारा से टाइम हम देख के क्लियर कर लें। वो
वो है जी एमपीसीएल पुलिस का पहला मैच आज था 6:30 बजे। उसके बाद आज जो मैच नंबर 2 होगा नेवी वर्सेस आर्मी का, वो 4 बजे, और वापडा वर्सेस आर्मी का 6 बजे, और रात 8 बजे एयरफोर्स वर्सेस पंजाब रेंजर्स। करना है आपने एंड कर, इंशाल्लाह बाकी मैचेस की तफसीलात आपको दिखाई जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में आपके साथ जुड़ते हैं दोबारा से।